हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोशन साइंस स्टडी पॉइंट। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू क्लास 11 इंग्लिश सिलेबस 2023 एंड 2024। आपको पता है आपके इंग्लिश के सिलेबस में आपके तीन सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आपका जो सेक्शन वन है, सेक्शन ए है, वो 26 मार्क्स का है। जो आपका सेक्शन ए है वो 26 मार्क्स का है, जिसमें आपके आएंगे रीडिंग स्किल्स, जो आपके अनसीन पैसेज होते हैं, आपके दो अनसीन पैसेज आएंगे, देख सकते हैं वन एंड टू, दोनों आपके अनसीन पैसेज है। आपके अनसीन पैसेज 18 मार्क्स के होंगे। जो आपका फर्स्ट होगा वो 10 मार्क्स का होगा और जो आपका सेकंड होगा वो 8 मार्क्स का होगा। जो आपके पैराग्राफ की वर्ड लिमिट होगी, पैसेज की वर्ड लिमिट होगी, वो 600 से 750 होगी। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग आपका टोटल जो है 8 मार्क्स का है। इसमें आपको नोट मेकिंग का जो तरीका है, जिसमें टाइटल हो गया 1 मार्क्स का है, नंबरिंग हो गया, की हो गया, नोट्स हो गया, ये जो आपका टोटल मिला के है 5 मार्क्स का, और जो आपका कंटेंट है, एक्सप्रेशन है, वो आपके 3 मार्क्स के हैं। तो आपका जो नोट मेकिंग है वो टोटल 8 मार्क्स का है। थर्ड आप नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है 23 मार्क्स का, जिसमें ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। ग्रामर के जो आपके क्वेश्चन है वो गैप फिलिंग आएगी। आपको गैप फिलिंग पता है बहुत इजी होती है। जो आपका नेक्स्ट होगा वो होंगे रीऑर्गेनाइज्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया होगा लेकिन जो उसमें जो वर्ड्स होंगे वो गलत होंगे, तो आपको वो सही करके लिखना होगा। तो जो आपका ग्रामर का पोर्शन है वो टोटल 7 मार्क्स का है। जो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आपका टोटल जो है वो 16 मार्क्स का है। इसमें आपको टू टाइप्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, एक शॉर्ट राइटिंग टास्क और एक लॉन्ग राइटिंग टास्क। जो 6 एंड 7 आपका है वो शॉर्ट राइटिंग टास्क में आएगा, जिसमें आपके एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर मेकिंग आएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स में आपको उनके आंसर करने होंगे। जो इसमें आपके आंसर मिलेंगे, जो आपके नंबर मिलेंगे, वो फॉर्मेट के मिलेंगे, कंटेंट के मिलेंगे एंड एक्सप्रेशन के मिलेंगे, यही होंगे आपके। और जो आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क है वो भी आपके दो क्वेश्चन हैं लॉन्ग राइटिंग टास्क वाले। जो लॉन्ग राइटिंग टास्क के जो आपके वर्ड लिमिट होगी वो होंगी 120 से 150। इसमें आपके दो है, एक स्पीच है एंड सेकेंड डिबेट बेस्ड है। इसमें भी आपके ऐसी है, कॉन्टेंट के मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मेट के मिलेंगे, एक्सप्रेशन के मिलेंगे। तो जो आपका सेक्शन बी था उसमें यही था। जो आपका सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट है। इसमें आपके जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, 31 मार्क्स का है। तो जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके एक्सट्रैक्ट आएंगे, पोएट्रिक एक्सट्रैक्ट एंड प्रोज एक्सट्रैक्ट, जो हॉर्नबिल है और स्नैपशॉट है, इनमें से आपके ऐसे एक्सट्रैक्ट आएंगे जो 3 मार्क्स के और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स के होंगे। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। हॉर्नबिल से आप देख सकते हैं, यहाँ है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 1 करना होगा कोई, जो 40 से 50 वर्ड्स में आपको आंसर देने होंगे। नेक्स्ट भी आपका शॉर्ट ही है, लेकिन ये स्नैपशॉट से है, इसमें भी सेम ही है, 2 में से कोई 1 करना होगा। नेक्स्ट आपका 15 एंड 16 है, जो कि लॉन्ग आंसर वाले हैं, जिसके आंसर आपको 120 से 150 वर्ड्स में देने हैं, जो कि 6 मार्क्स के हैं। 6 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको किसी भी अगर चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, तो आपने जितना भी उस चैप्टर में पढ़ा है, जितना आपका निष्कर्ष कंक्लूजन निकला है, वो सारी चीज़ें आपको चैप्टर से रिलेट करके आंसर में लिखनी होती है, तभी आपके 6 आउट ऑफ 6 आ पाते हैं। यही आपके सेक्शन सी 31 मार्क्स वाले में था। जो जितने भी आपके पोएम्स हैं, चैप्टर्स आ रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके सेक्शन सी में आएंगे। नीचे आपके चैप्टर्स के नेम दे रखे हैं जो आ रहे हैं। हॉर्नबिल से आप देख सकते हैं, जो आपका द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, डिस्कवरी टू द सागा, द लैबनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, द एडवेंचर, सिल्क रोड एंड फादर टू सन, ये आपके हॉर्नबिल से आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट से द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हाउस, हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ,
एंड द टेल ऑफ द मेलोन सिटी. ये आपके टोटल 15 चैप्टर्स है जो आपके दोनों बुक से हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट दोनों से मिला कर आ रहे हैं. इसमें जो चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो आपके आपको इतने ही चैप्टर्स पे फोकस करना है. नेक्स्ट आपके इंटरनल असेसमेंट दे रखे हैं, जो भी आपके लिसनिंग स्किल्स, जैसे क्लास में मैम कुछ करवा रही है तो आप कितने ध्यान से उसको सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके आपके 5 मार्क्स है. फिर आपका है स्पीकिंग स्किल्स, जैसे आपके आपके कोई टेस्ट वगैरह होता है, ओरल टेस्ट होता है, तो आप उसमें अपने आंसर को किस तरीके से मैम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस वे में आप बता रहे हैं, आपको कितना समझ में आया है, उसके आपके 5 मार्क्स है. और जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो आपके 10 मार्क्स के है, तो ये आपका टोटल 20 मार्क्स का है. यही आपके सिलेबस में था टोटल मिला के आपका जो पूरा, ये पूरा टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स का है. जैसे आपका रीडिंग सेक्शन 26 का है, सेक्शन बी आपका 23 का है एंड सेक्शन सी आपका 31 का है. सारी चीज़ें मिला के आपके 80 मार्क्स की आपके सिलेबस में यही था. आई होप आपको ये सिलेबस जो मैंने एक्सप्लेन किया है समझ में आ गया होगा. थैंक यू.